नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप शर्मा गुरुकुल SES के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इसके पहले हमने छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक विभाजन का क्लास लिया था। उस छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक विभाजन में छत्तीसगढ़ के मैदान को हमने समझने का प्रयास किया था। छत्तीसगढ़ के मैदान में हमने छत्तीसगढ़ के लगभग सारे टॉपिक को हमने छत्तीसगढ़ के मैदान में समझने का प्रयास किया। मतलब ये कह सकते हैं कि हमने छत्तीसगढ़ के मैदान का एक ओवरव्यू आपको बताया। अब हम छत्तीसगढ़ के मैदान के अंदर मैं आपको जो मैप बताया था, उस मैप को बना के मैं आपको एक एक जो उसका कंटेंट है, जैसे मैकल श्रेणी, पिंडल ओढ़ने का पठार, रदन की पहाड़ी, शिशुपाल पर्वत, चौरा ढाल, इसको आज हम अपन डिस्क्राइब करेंगे। और यह मुख्यतः मुख्य परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें 30 शब्द के, 60 शब्द के, 100 शब्द के, 125 शब्द के तथा 175 शब्द के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए, समझने का प्रयास करते हैं। मैं बताया था आपको पहले, जैसे पड़ेगा आपका छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ इसमें बताया था मैं आपको, ये पड़ेगा आपका मैकल श्रेणी, ये पड़ेगा आपका पिंडरा लोरमी का पठार, इधर से आ रही है ऐसा हसदेव नदी, थोड़ा सा पड़ेगा आपको ऊपर के भाग छूरी उदयपुर की पहाड़ियां, ये पड़ेगा ऐसा आपका चौरा ढाल, ये पड़ेगा आपको लेलुंगा की पहाड़ी, नीचे पड़ेगा आपको रदन की पहाड़ी, इस नीचे से गुजर रही है नेशनल हाईवे 53, शिशुपाल पर्वत, गौरागढ़ की पहाड़ी, भात्रीगढ़ की पहाड़ी, नरियर पानी, सिहावा पर्वत, दुर्ग राजनांदगांव उच्च भूमि। इसमें हम बताया था मैं आपको सबसे पहले, ये पड़ेगा आपको मैकल श्रेणी, मैकल पर्वत श्रेणी। दूसरा देखे थे हम पेंड्रा लोरमी का पठार, इसको देखते हैं। मैंने पहले आपके छत्तीसगढ़ के मैदान के ओवर में पहले बता दिया चुका हूं मैं आपको पहले वीडियो में। सेकंड वीडियो में हम उसके जो अंदरूनी चीजें हैं, मैकल श्रेणी, लोरमी का पठार, इन चीज को डिस्क्राइब करेंगे। और यह प्रश्न मुख्यतः मुख्य परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखें। पहले हम देखते हैं मैकल श्रेणी। तो मैकल श्रेणी से सबसे पहले हम ये समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो मैदानी क्षेत्र है, इसके उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्या क्या पाया जाएगा। उत्तर में मिलेगा आपका, बताया था पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। दक्षिण में दंडकारण्य का प्राकृतिक प्रदेश। यदि अपन पश्चिम में आए तो पश्चिम में पड़ेगा आपका सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा पर्वत। और यदि पूर्व में जाएंगे तो पूर्व पड़ेगा गरजात की पहाड़ियां, उड़ीसा, गरजात की पहाड़ियां, उड़ीसा में पड़ेगा गरजात की पहाड़ियां। MP में पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत, बस्तर तरफ पड़ेगा दंडकारण्य, ऊपर पड़ेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। यह छत्तीसगढ़ के मैदान की चारों प्राकृतिक सीमाएं। तो
ये पड़ेगा आपको महतल श्रेणी। एक्चुअल में महतल श्रेणी देखा जाएगा तो ये छत्तीसगढ़ से लगा हुआ ये पड़ेगा आपका ऐसा मध्य प्रदेश, ये ऐसा पड़ेगा आपको मध्य प्रदेश। ये पड़ेगा आपका ऐसा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद जस्ट इधर पड़ेगा आपको गुजरात, और ये गुजरात का पड़ेगा आपको राजपीपला, पड़ेगा आपका राजपीपला। इसी गुजरात के राजपीपला से ये सतपुड़ा, सतपुड़ा क्षेत्र का ये पूरा पड़ेगा सतपुड़ा क्षेत्र आपका, ऐसा पूरा सतपुड़ा मध्य प्रदेश के बीचों बीच निकलेगा आपका। और ये सतपुड़ा पर्वत छत्तीसगढ़ आते आते एक अर्धचंद्राकार रूप लेगा, अर्धचंद्राकार रूप। तो हम तो वास्तव में सतपुड़ा पर्वत गुजरात के राजपीपला से निकला है, और ये गुजरात के राजपीपला से निकलने के बाद मध्य प्रदेश के बीचों बीच होते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा रेखा बनाता है। इसी सीमा रेखा को हम मैकल श्रेणी के नाम से जानते हैं, और मैकल श्रेणी जो छत्तीसगढ़ में है उसकी आकृति कैसी है तो हम कहेंगे अर्धचंद्राकार। ठीक है, दूसरा, अब इसी मैकल श्रेणी का छत्तीसगढ़ में विस्तार देखते हैं। मैकल श्रेणी का छत्तीसगढ़ में विस्तार तो देखें, इसमें राजनांदगांव के मोहिला मानपुर नहीं आएगा, मैं पहले बता चुका था। तो छत्तीसगढ़ के मैदान में या मैकल श्रेणी में राजनांदगांव के मोहिला मानपुर तहसील को छोड़कर अंबागढ़, मतलब पूरा का पूरा पश्चिमी राजनांदगांव जिसमें छुरिया तहसील आएगा, जिसमें अंबागढ़ चौकी आएगा, ऊपर निकल जाओगे तो ये पड़ेगा आपको कमरधा, कमरधा का भी पश्चिमी कमरधा, चिल्पी घाटी, बोडला, भोरमदेव मंदिर, भोरमदेव अभ्यारण्य, मतलब पूरा चिल्पी घाटी वाला क्षेत्र जो मंडला से लगा हुआ है ये पूरा पड़ेगा कमरधा। तो कमरधा का चिल्पी घाटी पड़ेगा, कमरधा का बोडला तहसील पड़ेगा, पूरा कमरधा का पश्चिमी एरिया। ऊपर निकल जाएंगे तो पड़ेगा मुंगेली, तो मुंगेली लोरमी वाला भाग, और मुंगेली लोरमी से होते हुए वर्तमान का जो नवीनतम जिला बना 10 फरवरी 2020 को पेंड्रा मरवाही का, ये भी पश्चिमी क्षेत्र मैकल श्रेणी कहलाता है। तो मैकल श्रेणी अंबागढ़ चौकी से शुरू होते हुए पेंड्रा मरवाही तक जाएगा, तो पेंड्रा लोरमी का पठार भी मुख्यतः सतपुड़ा पर्वत का भाग है, मैकल श्रेणी का भाग है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आपका इसकी आकृति, आकृति में लिखना है कि मैकल श्रेणी की आकृति अर्धचंद्राकार है, या लिख रहा है अर्धचंद्राकार है। विस्तार में क्या लिखेंगे, विस्तार में लिखेंगे कि मैकल श्रेणी का विस्तार राजनांदगांव के अंबागढ़ चौकी छुरिया अर्थात पश्चिमी राजनांदगांव, और कवर्धा का चिल्पी घाटी बोडला से होते हुए मुंगेली जिला के मुंगेली लोरमी से होते हुए कहां तक जाएगा आपका पेंड्रा मरवाही तक, या मुख्यतः पेंड्रा तक, ये इसका विस्तार है, मैकल श्रेणी का विस्तार। तीसरा अपन देखें मैकल श्रेणी को और क्या कहा जाता है। यह जो मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी से यदि आप ऊपर जाओगे ये वाला भाग देखो, ये बीचों बीच सतपुड़ा पर्वत आ रहा है, तो सतपुड़ा पर्वत के नीचे वाला हिस्सा इसे हम कहते हैं महाराष्ट्र, कहते हैं आपका महाराष्ट्र, नीचे पड़ेगा महाराष्ट्र पूरा आंध्र पड़ेगा आपका बीजापुर तक, और ऊपर ये पूरा बलरामपुर तक क्या पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश, क्या पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश। तो ऊपर मध्य प्रदेश, नीचे महाराष्ट्र, और ये हमारा छत्तीसगढ़। तो मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी को जल राज्य विभाजक पर्वत भी कहता है, कहा जाता है, क्योंकि यह मैकल श्रेणी छत्तीसगढ़ को दो राज्यों से अलग करता है, एक मध्य प्रदेश और दूसरा आपका महाराष्ट्र। भाई महाराष्ट्र से भी आप आएंगे नागपुर से आएंगे तो यह पड़ेगा आपको चिचोला बॉर्डर पड़ेगा, तो चिचोला बॉर्डर बोलने से आपका देखा जाएगा तो राजनांदगांव का नाका है, ठीक है, बॉर्डर है वो, तो वो बॉर्डर मुख्यतः किसके क्षेत्र पड़ेगा आपका राजनांदगांव में, किसको अलग कर रहा है आपका महाराष्ट्र को। ऊपर से आओगे तो ये पड़ेगा मंडला, पड़ेगा मंडला, मंडल से कमरधा, कमरधा ऊपर पड़ेगा मंडला, मंडला के बाद पड़ेगा चिल्पी घाटी आओगे, तो ये क्या पड़ेगा आपका मध्य प्रदेश,
मध्य प्रदेश महाराष्ट्र को अलग करता है छत्तीसगढ़ से कौन आपका मैकल श्रेणी, इसलिए मैकल श्रेणी को राज्य विभाजक पर्वत भी कहा जाता है या श्रेणी कहा जाता है। तो पहले हमने क्या देखा, पहला देखा हमने इसका आपका आकृति, हमने पहला देखा आपका आकृति, आकृति तो आकृति कैसा होगा आपका अर्धचंद्राकार होगा। दूसरा बताया मैं आपको विस्तार, विस्तार बताया तो विस्तार कैसा होगा आपका अंबागढ़ चौकी के पश्चिमी राजस्थान से लेके पश्चिमी राजनांदगांव से लेके पश्चिमी राजनांदगांव पश्चिमी कवर्धा से उत्तर कहां पहुंच जाओगे आपका पेंड्रा लोरमी का पठार, ये आपका पेंड्रा ये इसका विस्तार हो जाएगा। विस्तार के बाद तीसरा आ जाएगा आपका इसे राज्य विभाजक पर्वत कहा जाता है, इसे राज्य विभाजक पर्वत कहा जाता है क्योंकि यह छत्तीसगढ़ को महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अलग करती है। तीन पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट मानते हैं, चौथा पॉइंट माओगे तो उसको कहते हैं जल विभाजक पर्वत, जल विभाजक पर्वत। देखिए कैसे राजनांदगांव से लेके कवर्धा तक ये जो मैकल श्रेणी है ऊपर पेंड्रा तक ये ऊपर जाओगे तो पड़ेगा आपको मुंगेली, मुंगेली से आगे जाए या बिलासपुर से आगे जाए तो ये पड़ेगा अपने को अमरकंटक जो मुख्यतः एमपी का भाग, ये अमरकंटक से निकली आपका नर्मदा नदी, अमरकंटक से निकली नर्मदा नदी और कहां बही आपका पश्चिम की तरफ, पश्चिम की तरफ बहने वाली 13-12 किलोमीटर के साथ सबसे लंबी नदी है। दूसरा ये पड़ेगा आपका नीचे अंबागढ़ चौकी के पास, ये पड़ेगा आपका पाना बरस की पहाड़ी, ये पाना बरस की पहाड़ी से निकली आपका शिवनाथ नदी जो किधर निकलेगी आपका पूर्व की तरफ निकल रही है। तो पश्चिम की नदियां पश्चिम की तरफ जा रही है, पूर्व की नदियां पूर्व की तरफ जा रही है। ऊपर जाएंगे तो ये पड़ेगा आपका राजनांदगांव के पास पड़ेगा कुलझारी की पहाड़ी, कुलझारी की पहाड़ी, इस कुलझारी की पहाड़ी से निकल रही है बाघ नदी और ये बाघ नदी इधर जाकर इधर आपका महाराष्ट्र से आ रही है वेन गंगा नदी, नदी का नाम है वेन गंगा, इस वेन गंगा नदी में कौन मिल रही है आपका बाघ नदी। तो कुलझारी की पहाड़ी से निकल रही है बाघ नदी, यानी कि किसमें मिल रही है महाराष्ट्र से आने वाली वेन गंगा नदी पर जो गोदावरी की सहायक नदी है वेन गंगा, इसलिए हम बाघ नदी को महानदी का नहीं गोदावरी या इंद्रावती के सहायक नदियों में शामिल किया जाता है। तो बाघ नदी पश्चिम की तरफ बह रही है, अमरकंटक से नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बह रही है, पानाबरस से शिवनाथ नदी पूर्व की तरफ बह रही है, तो इसे हम क्या कहेंगे आपका जल विभाजक पर्वत। तो यह जल विभाजक पर्वत भी कहा जाएगा, इसे राज्य विभाजक पर्वत भी कहा जाएगा। इसका विस्तार बोलेंगे तो अंबागढ़ चौकी से होते हुए कहां तक आपका पेंड्रा तक, और आकृति कैसी है तो अर्धचंद्राकार इसकी आकृति है। इसके बाद यदि हम इसमें देखें, यदि आप नागपुर से आएंगे, नागपुर से और नागपुर से प्रवेश किए राजनांदगांव, नागपुर से प्रवेश किया राजनांदगांव और दूसरा मध्य प्रदेश का मंडला से आएंगे और मंडला से प्रवेश किया कवर्धा, ऐसा कवर्धा प्रवेश किया, मंडला से आप कवर्धा प्रवेश करेंगे और नागपुर से आप राजनांदगांव प्रवेश करेंगे, तो चूंकि यह पूरा पर्वत का भाग है क्योंकि इसकी ऊंचाई में आपका बदलगढ़ जिसकी हाइट 1176 मीटर है मतलब पर्वत का भाग, और दोनों राजनांदगांव कहे कहो चाहे आपका कवर्धा कहो चाहे राजनांदगांव कहो चाहे कवर्धा कहो दोनों से नेशनल हाईवे क्रॉस कर रही है। तो नेशनल हाईवे यदि यहां तक लेके आना है हमें, यदि छत्तीसगढ़ में प्रवेश कराना है तो मैकल श्रेणी में घाटी दर्रा या पास बनाने की आवश्यकता है। इसलिए जब नागपुर से राजनांदगांव एंटर करेंगे तो इसी मैकल श्रेणी में मिलेगा अपने को ब्रिजवानी घाटी, क्या पड़ेगा आपका ब्रिजवानी घाटी।
यदि आप नागपुर से राजनांदगांव से होते हुए छत्तीसगढ़ प्रवेश करेंगे, नेशनल हाईवे 53 सड़क का नाम है नेशनल हाईवे 53, तो आपको क्या पड़ेगा, आपका ब्रिजवानी है। और उसी तरह यदि आप मंडला से जो कवर्धा किल्पी घाटी बोडला होते हुए, कवर्धा से बेमेतरा होते हुए रायपुर धमतरी होते हुए आप सुकमा की कोंटा तक जाएंगे, जो वर्तमान में आपको देखा जाएगा छत्तीसगढ़ का सबसे नेशनल हाईवे है, सबसे लंबा नेशनल हाईवे है नेशनल हाईवे 30, तो इसमें पड़ेगा आपको कवर्धा में पड़ेगा किल्पी घाटी, पड़ेगा आपका चीसी घाटी। तो इसमें दो घाटी पड़ेंगे। यदि आप नेशनल हाईवे 30 से प्रवेश करके कमरधा, बेमेतरा, बलौता बाजार, रायपुर, धमतरी, धमतरी के बाद कांकेर, कांकेर के बाद केसकाल, कोंडागांव होते हुए सुकमा, आपका बस्तर होते हुए सुकमा प्रवेश करेंगे कोंटा तक, तो नाम क्या उसमें क्या उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं आपका नेशनल हाईवे 30, नेशनल हाईवे 30 राष्ट्रीय राजमार्ग 30, इसमें क्या पड़ेगा आपका चिल्पी घाटी। और यदि आप नागपुर से होते हुए प्रवेश करेंगे राजनांदगांव में, तो पड़ेगा आपको ब्रिजवानी घाटी, दोनों मैकल श्रेणी के क्षेत्र है, तो दो घाटी पड़ेंगे। तो घाटी पड़ने के बाद राज्य विभाग के पर्वत कहा जाता है, जल विभाग के पर्वत कहा जाता है, विस्तार अंबागढ़ चौकी के पश्चिमी राजनांदगांव, पश्चिमी कवर्धा, पश्चिमी मुंगेली से होते हुए पेंड्रा तक, और आकृति कैसी है आपका अर्धचंद्राकार। ठीक, अब इसमें अपन आगे देखते हैं, तो पांचवा अपन घाटी देख ली, छठवां अपन देखते हैं इसमें जनजाति, क्या लिखेंगे आपका जनजाति, मैकल श्रेणी की जनजाति। मैकल श्रेणी, यदि आपको मैकल श्रेणी के बारे में जानना है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये किन राज्यों से लगा हुआ है। तो मुख्यतः सतपुड़ा पर्वत मध्य प्रदेश, मैकल श्रेणी भी सतपुड़ा पर्वत का भाग है, और सतपुड़ा पर्वत को जंगलों की रानी कहा जाता है, सतपुड़ा पर्वत को बैगा जनजातियों का घर कहा जाता है, इसलिए छत्तीसगढ़ में सबसे अल्प रूप में पाए जाने वाली जनजाति बैगा कहां निवास करती है, इसी मैकल श्रेणी में। बैगा जनजाति जिस जो अपने आप को बोणों के पुरोहित कहते हैं, जिसे में जो जिसे मेडिसिन मैन कहा जाता है, ये मिलेगा बैगा, कहां मिलेगा आपका मैकल श्रेणी में। और इस बैगा के साथ साथ आपको एक जनजाति मिलेगा अगरिया, अगरिया, अगरिया जनजाति, जिसे आपका आयरन मैन या आपका लोहे की खोज करने वाले जनजाति भी कहा जाता है। तो इसी मैकल श्रेणी में आपको दो जनजाति मिलेंगे, बैगा जनजाति और अगरिया जनजाति। बैगा जनजाति इसलिए पाया जाता है क्योंकि सतपुड़ा को बैगाओं का घर कहा जाता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बैगा जनजाति पाया जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में सबसे अल्प जनजाति, ये पीएससी में पूछा भी था, क्या मिलेगा आपको बैगा जनजाति, उसके साथ क्या मिलेगा आपको अगरिया जनजाति, जिसने लोहे की खोज की थी। तो जनजाति में क्या मिलेगा आपको बैगा और अगरिया जनजाति हो गए। जनजाति बात अपन देखते हैं सातवां वनस्पति, आपका वनस्पति, तो वनस्पति में देखिए, यदि छत्तीसगढ़ को पूरा वनस्पति में डिस्क्राइब किया जाए, तो नीचे का भाग पूरा साल बन, नीचे साल, ऊपर साल, पूर्व तरफ पूरा आपका मिक्स्ड फॉरेस्ट, मिश्रित वन, इधर पूरा मिलेगा आपको मिश्रित वन, लगभग लगभग 43 पॉइंट के साथ क्या मिलेगा आपको मिश्रित वन, लगभग लगभग 40 पॉइंट के साथ अपने को क्या मिलेगा अपने को आपका साल वन, और लगभग लगभग 9 पॉइंट तक में क्या मिलेगा अपने को आपका सागौन। तो मैकल श्रेणी में मुख्यतः, मैकल श्रेणी में मुख्यतः क्या मिलेगा अपने को आपका सागौन, मैकल श्रेणी में मुख्यतः क्या मिलेगा अपने को आपका सागौन, लेकिन मैकल श्रेणी से ऊपर के पेंड्रा लोरमी की तरफ, तो यहां भी क्या मिलेगा फिर अपने को आपका साल, नीचे तरफ आए ये अबूझ मार्ग तक नहीं, ये परल कोट पखांजियोर, कांकेर का परल कोट पखांजियोर, भानुप्रतापपुर वाला भाग, तो वहां भी क्या मिलेगा अपने को साल, लेकिन जैसे ही आप अबूझ मार्ग की तरफ आओगे कि आपका देखा जाएगा कुरसैल घाटी, कुरसैल घाटी वाला क्षेत्र, तो यहां भी क्या पड़ेगा आपको सागौन, तो सागौन थोड़ी मात्रा में ही है आपका कुरसैल घाटी में है, और आपको क्या मिलेगा आपको मैकल श्रेणी में, तो मैकल श्रेणी में मिलेगा आपको सागौन के वृक्ष, लेकिन मैकल श्रेणी से ऊपर जाओगे तो मिलेगा फिर आपको साल, नीचे आओगे तो पड़ेगा साल, लेकिन थोड़ा सा और नीचे आए अबूझ मार्ग क्षेत्र के कुरसैल घाटी में, तो यहां पर क्या पड़ेगा अपने को आपका सागौन।
तो वनस्पति में क्या मिलेगा अपने को आपका सागौन। वनस्पति के बाद अपन आते हैं वन्य जीव, वनस्पति में क्या मिलेगा आपका वन्य जीव। तो वन्य जीव को भी आपको मध्य प्रदेश की सीमा में लगे हुए नेशनल पार्क को देखना है, जहां पर इस पर यहां इधर यदि कोई आपको देखा जाएगा वन्य जीव पाया जा रहा है, उधर भी क्या मिलेगा आपका सेम वन्य जीव। जैसे राजनांदगांव के इधर आपको पड़ेगा, इस ऊपर से आएंगे तो बिलासपुर के बाद इधर पड़ेगा आपका अनूपपुर पड़ेगा, अनूपपुर पड़ेगा सहडोल पड़ेगा। कमरधा के इधर आओगे तो ये पड़ेगा आपका मंडला डिंडोरी पड़ेगा। राजनांदगांव के इधर आओगे तो ये पड़ेगा आपका बालाघाट पड़ेगा, बालाघाट छिंदवाड़ा पड़ेगा। तो इधर पड़ेगा आपका कान्हा किसी नेशनल पार्क मंडला, सहडोल उमरिया तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। तो चाहे बांधवगढ़ नेशनल पार्क को हो चाहे कान्हा किसकी नेशनल पार्क को हो, यहाँ पर क्या मिलते हैं आपका टाइगर। इसलिए माइकल श्रेणी का क्षेत्र में भी आप वन्य जीव में क्या मिलेगा अपने को टाइगर, क्या मिलेगा आपका टाइगर। तो वनस्पति में सागौन, वन्य जीव में टाइगर, ठीक है। इसके बाद अब हम देखते हैं माइकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटियां। तो मैकल पर्वत श्रेणी की ऊंची चोटी जो राजनांदगांव जिले में स्थित है, नाम है बदरगढ़, 1176 नाम है बदरगढ़। 1176 मीटर हाइट के साथ मैकल श्रेणी नहीं वरन छत्तीसगढ़ के मैदान की सबसे ऊंची चोटी बदरगढ़, इसकी हाइट कितनी है आपका 1176 मीटर। मैकल श्रेणी की तो है ही, लेकिन मैकल श्रेणी के साथ साथ छत्तीसगढ़ के मैदान की भी सर्वोच्च ऊंची चोटी है। और मैकल श्रेणी और ये पेंड्रा लोरमी के पठार को पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है, पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और इस पश्चिमी सीमांत उच्च भूमि की ऊंची चोटी क्या पड़ेगा आपका बदरगढ़, हाइट कितनी है आपका 1176। अन्य में आपका जाएगा ब्राह्मणगढ़ की चोटी, इसकी हाइट मिलेगा आपको लगभग लगभग 1127 मीटर, 1127 मीटर। तीसरा जाएगा आपका अमरकंटक की चोटी, इसकी हाइट मिलेगा आपको 1054 मीटर। तो 1054 मीटर अमरकंटक की चोटी, ब्राह्मणगढ़ की चोटी 1127 मीटर, बदरगढ़ की चोटी 1176 मीटर। इसके अलावा देखा जाएगा तो आपका लीलवानी हो गया, उसके बाद कंदावनी हो गया, झाला पहाड़ हो गया, ये सब इसकी अन्य चोटियां हैं। कंसाई नाला हो गया, लामनी हिल्स हो गया, लामनी हिल्स पर्यटन क्षेत्र है, कंसाई नाला हो गया, अमरकंटक की चोटी हो गई, ब्राह्मणगढ़ की चोटी हो गई, बदरगढ़ की चोटी हो गई, कंदावनी की पहाड़ी हो गया, लीलवानी की पहाड़ी हो गया, ये सब मैकल श्रेणी की चोटियां हैं। लेकिन मुख्यतः सबसे ऊंची चोटी क्या है बोलने से बदरगढ़, इसकी हाइट कितनी है 1176 मीटर। यदि आप इस सभी शब्दों को एक साथ लेंगे तो आपको लगभग लगभग 100 शब्द हो जाएगा। शुरुआत कहां से करना है इसकी, आकृति कैसी है, अर्धचंद्राकार है, दिखे आपको। विस्तार तो विस्तार अंबागढ़ चौकी के छुरिया से होते हुए, राजनांदगांव से होते हुए आपका कवर्धा का चिल्पी घाटी, बोरला तहसील से होते हुए मुंगेले लोरमी और आपका पेंड्रा तक, यह मैकल श्रेणी का विस्तार। इसे राज्यवाचक पर्वत कहा जाता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ को यह महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से अलग करती है। इसे जल विभाजक पर्वत कहा जाता है, क्योंकि यह बाघ नदी पश्चिम की तरफ बह रही है, नर्मदा नदी पश्चिम की तरफ बह रही है, जबकि आपको देखा जाएगा तो शिवनाथ नदी पानापरस की पहाड़ी से निकलते हुए पूर्व की तरफ बह रही है, इसे जल विभाजक पर्वत भी कहा जाएगा। तीसरा अपन देखेंगे घाटी, तो घाटी यदि आप आपको नागपुर से प्रवेश करेंगे राजनांदगांव नेशनल हाईवे 53 में तो पड़ेगा बिजवानी घाटी, यदि आप नेशनल हाईवे 30 से प्रवेश करेंगे आपको कमरथा तो क्या पड़ेगा आपको चिल्पी घाटी। वर्तमान में चाय की खेती के लिए प्रस्तावित है, चाय का बागान उगाया जाएगा कहां पर आपका चिल्पी घाटी में। तो चिल्पी घाटी NH 30 और ब्रिजवानी घाटी नेशनल हाईवे 53, तो दो घाटी पड़ेंगे।
जनजाति पड़ेगा तो जनजाति बैगा, क्योंकि सतपुड़ा में आपको बैगा घर कहा जाता है। अल्प मात्रा में कहा मिलेंगे आपको मैकल श्रेणी में, और साथ में क्या मिलेंगे आपको अगरिया, ये मेडिसिन मैन है तो ये आयरन मैन है। वनस्पति, वनस्पति में क्या मिलेगा आपको आपके यहां पर सागौन। वन्य जीव, वन्य जीव में टाइगर, टाइगर को पाया जाएगा। अपने को छत्तीसगढ़ की सीमा में लगे हुए नेशनल पार्कों को देखना है, यहां पर जो आपका वन्य जीव पाया जाएगा यहां पर भी क्या पाएगा सेम वाइल्ड लाइफ रहेगा। ऊंची चोटी में आ जाएगा बदरगढ़, अन्य में ब्राह्मणगढ़ की चोटी, अमरकंटक की चोटी, झाला पहाड़, लिनवानी, कंदावनी, सब ये क्या है आपका अमरकंटक, ये सब आपको देखा जाएगा तो मैकल श्रेणी की एक पूरा विस्तार है। थोड़ा और डिटेल करते हैं कैसे, देखिए अब हम देखते हैं राजनांदगांव में स्थित मैकल श्रेणी। अब हम देखेंगे राजनांदगांव में स्थित मैकल श्रेणी क्या कमी है। देख राजनांदगांव का अंबागढ़ चौकी, अंबागढ़ चौकी से आपका निकल जाओगे तो पड़ेगा आपका छुड़िया, जो पश्चिमी राजनांदगांव है। मतलब यदि इसको अपन देखें जैसे ये पड़ेगा आपका राजनांदगांव पड़ेगा, कैसा राजनांदगांव है, तो राजनांदगांव का ये वाला भाग, ये नेशनल हाईवे सॉरी स्टेट हाईवे 5 आ रहा है, कैसे स्टेट हाईवे 5 आएगा, मुंगेली स्टेट हाईवे 5 आएगा, तो इस स्टेट हाईवे 5 के ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, इसी को अपन क्या बोलेंगे आपका मैकल श्रेणी, ये वाला एरिया। तो यही ये पड़ेगा आपका अंबागढ़ चौकी, ये पड़ेगा आपका छुरिया। तो ये अंबागढ़ चौकी और छुरिया के मध्य का जो क्षेत्र है इसे अपन बोलते हैं राजनांदगांव का मैकल श्रेणी। देखिए इसमें क्या पड़ेगा, यदि अपन छुरिया में देखें, छुरिया में देखें तो छुरिया तहसील के अंतर्गत इसमें कुछ नाम पड़ेंगे, जैसे पहला आ जाएगा चितुआ डोंगरी, चितुआ डोंगरी, चितुआ डोंगरी के बाद आपका आएगा चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी, चांदी डोंगरी के बाद आपका आ जाएगा बोरिया टिब्बू, बोरिया टिब्बू के बाद आपका आ जाएगा भंडारी टोला, भंडारी टोला। ये चारों के चारों क्षेत्र मैकल श्रेणी में स्थित है। चितुआ डोंगरी छत्तीसगढ़ का पाषाणकालीन स्थल है, पाषाणकालीन स्टोन एज आपका काल कौन सा पड़ेगा आपका दिखा देगा चितुआ डोंगरी, पाषाणकालीन यहां पर साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। चांदी डोंगरी यहां मिलेगा फ्लोराइड खनिज, मिलेगा आपका फ्लोराइड। बोरिया चिब्बू नवीनतम लोहा का साक्ष्य मिला है, यहां पर क्या मिलेगा अपने को आपका लोहा। और भंडारी टोला बोलने से पूरा यूरेनियम का क्षेत्र है, पूरी आपका यूरेनियम का क्षेत्र। तो भंडारी टोला यूरेनियम का क्षेत्र, बोरिया टिब्बू नवीनतम लोहा का क्षेत्र, चांदी डोंगरी में फ्लोराइड मिलेगा, और क्या मिलेगा आपका चितुआ डोंगरी, तो क्या आपका पाषाणकालीन क्षेत्र, ये छुरिये वाले भाग में। यदि अपन नीचे आए तो नीचे आए तो देखिए रोड के इधर पड़ेगा आपको पाना बरस की पहाड़ी, ठीक है, इधर क्या पड़ेगा आपको रोड, इधर पड़ेगा आपका पाना बरस की पहाड़ी। रोड अपन ऊपर थोड़ा जाएंगे तो ये पड़ेगा प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, नीचे पाना बरस की पहाड़ी, ऊपर प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, दो आपका श्रेणिया मैकल श्रेणी की राजनांदगांव। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में मां बमलेश्वरी देवी का मंदिर, जिसे अपन कहते हैं डोंगरगढ़, राजा वीर सेन ने बनाया था 5वीं सदी में। तो बमलेश्वरी देवी का मंदिर प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर, और पाना बरस की पहाड़ी, तो पाना बरस अंबागढ़ चौकी के कोटकुल ग्राम से
शिवनाथ नदी का उद्गम होता है पानाबरस की पहाड़ी से। तो पानाबरस की पहाड़ी तो मैकल पर्वत के राजनांदगांव की दो श्रेणियां, प्रज्ञागिरी की श्रेणी और पानाबरस की श्रेणी। पानाबरस की श्रेणी से शिवनाथ नदी का उद्गम होता है, जबकि प्रज्ञागिरी पर्वत की पहाड़ी पर क्या स्थित है आपका डोंगरगढ़ का बमलेश्वरी देवी का मंदिर स्थित है, इसे राजा धीर सिंह ने बनाया था। ये आ जाएगा आपका राजनांदगांव का मैकल श्रेणी। इसके अलावा इसमें और वेट कर सकते हैं कि पानाबरस की पहाड़ी से शिवनाथ का उद्गम हो रहा है तो कुलझारी ऊपर जाओगे पड़ेगा आपका, कुलझारी जल इधर पड़ेगा आपका पिचोला बॉर्डर के आसपास वही पड़ेगा कुलझारी की पहाड़ी, यहां से निकल कर जाते हो आपका बाघ नदी। तो कुलझारी की पहाड़ी से बाघ नदी का उद्गम हो रहा है, पानाबरस की पहाड़ी से आपको देखा जाएगा तो शिवनाथ नदी का उद्गम हो रहा है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी पर बमलेश्वरी देवी का मंदिर है, जबकि चितवा डोंगरी चांदी डोंगरी बोरिया टिब्बू भंडारी टोला इसमें एक पाषाणकालीन क्षेत्र है और बाकी सब खनिज अयस्कों का क्षेत्र है। ये है राजनांदगांव का मैकल श्रेणी। राजनांदगांव का यदि ऊपर अपन चले कमरथा, ऊपर चलेंगे अपन कमरथा तो देखिए ये कमरथा वाला भाग पड़ेगा। तो कवर्धा में आपको याद करना सबसे पहले आपको चिल्पी घाटी, चिल्पी घाटी, चिल्पी घाटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को जोड़ता है। वर्तमान में चिल्पी घाटी में चाय की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसी मैकल पर्वत श्रेणी में आपको मिलेगा भोरम देव का मंदिर, भोरम देव का मंदिर। भोरम देव का मंदिर बोलने से फणी नागवंशी शासक गोपाल देव ने बनाया था, तो आपको क्या पड़ेगा आपका भोरम देव का मंदिर पड़ेगा। भोरम देव का मंदिर मैकल श्रेणी का क्षेत्र, चिल्पी घाटी मैकल श्रेणी का क्षेत्र। इसके बाद यदि अपन देखेंगे तो इसी मैकल श्रेणी से कंदावनी, कंदावनी, कंदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी निकल रही है, हाफ नदी जो किसकी सहायक नदी है आपका शिवनाथ की सहायक नदी है हाफ नदी। जबकि इसी कंदावनी की पहाड़ी के आसपास मैकल श्रेणी के, मैकल श्रेणी के क्षेत्रों से दो नदियां निकल रही हैं, एक बंजर नदी और एक तांगा नदी। तांगा और बंजर ये मुख्यतः आपका देखा जाएगा तो नर्मदा की सहायक नदी है, दो नदियां पश्चिम की तरफ और आपको देखा जाएगा हाफ नदी कहां निकल रही है आपका पूर्व की तरफ, सब मैकल श्रेणी के क्षेत्र है। तो हाफ नदी का उद्गम कंदावरी की पहाड़ी से पूर्व की तरफ और बंजर और तांडा नदी की किधर निकल रही है आपका पश्चिम की तरफ, नर्मदा की सहायक नदी है। भोरम देव अभ्यारण्य है और भोरम देव नेशनल पार्क, भोरम देव नेशनल पार्क है, जहां भी क्या यहां पर भी क्या मिलेगा सर्वाधिक मात्रा में आपको टाइगर। तो भोरम देव नेशनल पार्क मिलेगा, सॉरी भोरम देव अभ्यारण्य मिलेगा, सेंचुरी है ये, भोरम देव क्या मिलेगा अपने को आपका अभ्यारण्य मिलेगा, सेंचुरी मिलेगा आपका। तो भोरम देव सेंचुरी, भोरम देव सेंचुरी के बाद आपका दिखा जाएगा भोरम देव का मंदिर, चिल्पी घाटी, कंदावनी की पहाड़ी से हाफ नदी और बंजर और तांडा पश्चिम की नदियां, नर्मदा की सहायक नदी। ये है कवर्धा का मैकल श्रेणी। कवर्धा के मैकल श्रेणी के बाद यदि अपन ऊपर जाए मुंगेली लोरमी वाला भाग, मुंगेली लोरमी वाला भाग, ठीक है, तो वहां पर पड़ेगा आपको अचानक मार, अचानक मार आपको देखा जाएगा अभ्यारण्य, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको सर्वाधिक टाइगर मिलेंगे। तो इस प्रकार से कह सकते हो कि मैकल श्रेणी को हम पहले क्षेत्रीय विस्तार है और क्षेत्रीय विस्तार के साथ साथ जो मैं आपको पहले बताया उसकी आकृति विस्तार, इस संपूर्ण को यदि आप लिखेंगे तो लगभग लगभग इसको आप 175 शब्दों में भी लिख सकते हैं। जिस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा आप उसको उतने शब्दों में लिखने का कोशिश कर सकते हैं। यह आपका जाएगा मैकल श्रेणी। मैकल श्रेणी के बाद अपन थोड़ा देखते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार। देखिए पेंड्रा लोरमी के पठार को यदि अपन देखें तो पहले इसको अपन बिलासपुर जिले में पढ़ते थे, ठीक है, लेकिन अब तो ये नवीनतम जिला आ जाएगा पेंड्रा मरवाही। तो इसके विस्तार में भी अपन देखेंगे, विस्तार में भी अपन देखेंगे पेंड्रा लोरमी को, तो इसमें आपका आ जाएगा मुंगेली, मुंगेली, मुंगेली के बाद पेंड्रा, पेंड्रा, और पेंड्रा के बाद पेंड्रा का लोरमी, मुंगेली का लोरमी,
पेंड्रा, पेंड्रा के बाद थोड़ा सा मरवाही के नीचे, मरवाही तक नहीं जाना है, मरवाही बोलने से कोरिया, आपको कोरिया जस्ट नीचे मनेंद्रगढ़ के जस्ट नीचे पड़ेगा आपका मरवाही, तो मरवाही तक नहीं जाना है, मरवाही के नीचे पूरा पेंड्रा, पेंड्रा से लोरमी, लोरमी के बाद अपन को निकलना सीधा आपका कोरबा का कटघोरा, और कोरबा के कटघोरा से होते हुए अपने को पहुंचना है पाली भाई, ये पड़ेगा आपका पेंड्रा, पेंड्रा से निकल के आपका कोरबा, ये पड़ेगा आपका कोरबा, सॉरी आपका क्या निकलेगा आपका कटघोरा, कटघोरा से आप नीचे आओगे तो ये पड़ेगा अपने को क्या आपका पाली पड़ेगा, और पाली के ऊपर निकल जाओगे तो पड़ेगा आपको चैतुरगढ़ लाफागढ़, चैतुरगढ़ लाफागढ़ पलमागढ़ मातीन। तो कटघोरा से पाली होते हुए पेंड्रा, और पेंड्रा से फिर आप कहां पहुंच गया आपका कटघोरा, कटघोरा से पेंड्रा, कटघोरा से पाली, पाली होते हुए कहां तक थोड़ा सा आपका लोरमी तक, लोरमी तक फिर कहां पहुंच गया अपना आपका पेंड्रा, पेंड्रा से फिर कहां पहुंच गया आपका कटघोरा। तो ये जो क्षेत्र है, जब तक आपको मेप याद नहीं होगा आप किसी भी प्राकृतिक विभाजन को पढ़ नहीं सकते, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। भैया कटघोरा है, कटघोरा से नीचे पड़ेगा पाली, पाली से ऊपर निकल गए तो क्या पड़ेगा आपका लाफागढ़ चैतुरगढ़ परमागढ़, फिर मातीन, मातीन के बाद ऊपर निकल जाओगे तो उधर पड़ेगा आपको सबको पेंड्रा तरफ पड़ जाएगा आपका, हंसदेव राम को किसी छोड़ो उसको, क्या पड़ेगा आपका पेंड्रा, फिर क्या पहुंच गया अपन कटघोरा। तो ये जो क्षेत्र है इसी को अपन बोलते हैं पेंड्रा लोरमी का पठार विस्तार। पेंड्रा लोरमी का पठार भी मुख्यतः सतपुड़ा पर्वत का भाग है, मैकल श्रेणी का हिस्सा है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो कि सतपुड़ा पर्वत का भाग है, मैकल श्रेणी का हिस्सा है। लेकिन पेंड्रा लोरमी के पठार की दो श्रेणियां हैं, दो श्रेणियां, पेंड्रा से लगा हुआ खुंडरी खोखसरा की पहाड़ी, खुंडरी खोखसरा की पहाड़ी जहां से अरपा का उद्गम और अरपा की सहायक खारंग नदी का उद्गम, अरपा का उद्गम और अरपा की सहायक खारंग नदी का उद्गम कहां पड़ेगा आपका खुंडरी खोखसरा की पहाड़ी की, पेंड्रा वाला था, और पेंड्रा के जस्ट नीचे और लोरमी के आसपास के क्षेत्र से निकलेगा आपको एक और पड़ेगा श्रेणी, श्रेणी का नाम है सिहावल सागर, सिहावल सागर, और इस सिहावल सागर से निकल रही है मनियारी नदी, निकलेगा आपका मनियारी नदी। तो दो श्रेणियां हैं, खुंडरी खोखसरा की श्रेणी वहां से निकल रही है आपका अरपा, और क्या निकल रही है आपका खारंग, अरपा और खारंग, इसी खारंग जलाशय में आपको पड़ेगा आपको कुटाघाट डैम, क्या पड़ेगा आपको कुटाघाट डैम रतनपुर के पास। तो खुंडरी खोखसरा की पहाड़ी से अरपा और खारंग नदी निकल रही है, जबकि सिहावल सागर से क्या निकल रही है आपका मनियारी नदी, इसका संगम कहां पर होगा आपका मधु द्वीप के आसपास होगा आपका शिवनाथ नदी। तो मनियारी अरपा खारंग ये सब मुख्यतः आपको देखा जाएगा तो किसका क्षेत्र है पेंड्रा लोरमी के पठार का क्षेत्र है। वनस्पति में देखोगे यदि इसको वनस्पति में देखें तो वनस्पति में यदि आप नीचे की तरफ आओगे मैकल श्रेणी की तरफ तो सागौन मिलेगा, लेकिन यदि आप पेंड्रा लोरमी को छोड़कर ऊपर की तरफ बढ़ते गए मरवाही की तरफ तो फिर से क्या मिलेगा अपने को आपका साल वृक्ष। तो मुख्यतः सागौन वृक्ष भी है, साल वृक्ष है, लेकिन अधिक मात्रा में क्या मिलेगा अपने को आपका साल के वृक्ष। तो वनस्पति में साल, उसके बाद यदि अपना आगे देखें तो इसमें आगे बढ़ेगा उसी क्षेत्र में जनजाति, तो जनजाति में पड़ेगा आपको बैगा जनजाति, क्या पड़ेगा आपका बैगा जनजाति, यहां भी क्या मिलेगा मुख्यतः आपका बैगा जनजाति मिलेगा, और बैगा जनजाति के साथ एक पड़ेगा आपको शंकर जनजाति, शंकर मतलब बैगा प्लस कंवर की संकर जनजाति है भैना, क्या पड़ेगा आपका भैना जनजाति, ये कहां मिलेगा अपने को इस पेंड्रा लोरमी के पठार के क्षेत्र में, बैगा प्लस कंवर जनजाति की एक संकर जनजाति है भैना, ये कहां मिलेगा अपने को पेंड्रा लोरमी के क्षेत्र में। तो जनजाति में भैना मिलेगा, थोड़ा बहुत बैगा मिलेगा, खुंडरी खोखसरा की पहाड़ी में अपने क्या मिलेगा आपका अरपर खारंग का उद्गम हो रहा है, सिहावल सागर से मनियारी का उद्गम हो रहा है। खनिज में अपन देखेंगे, खनिज में तो खनिज में अपन देखें तो पेंड्रा लोरमी के पठार का यदि आपको देखेंगे पेंड्रा वाला भाग देखें, आपका कोरबा वाला भाग देखें, कोरबा के थोड़ा सा ऊपर वाला भाग देखें, मतलब खासकर पेंड्रा वाला भाग देखें, तो यहां पर तो मिलेगा अपने कुछ चूना, लेकिन यदि अपन वो पेंड्रा से आगे की ओर बढ़ते गए कटघोरा की तरफ बढ़ते जाएंगे
या आपका देखा जाएगा मरवाही की तरफ पढ़ते जाएंगे तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को कोल या कोयला, क्या मिलेगा आपका कोल या कोयला। तो खनिज में चूना मिलेगा पेंड्रा के आसपास, या आपका देखा जाएगा नीचे आओगे तो इधर किनारे आपका चूना के आसपास मिलेगा आपको, लगभग लगभग कवर्धा तरफ भी क्या मिलेगा आपको चूना मिलेगा। लेकिन आप कहा निकल गए, आप मरवाही की तरफ निकल गए, कोरबा की तरफ निकल गए, तो मुख्यतः क्या मिलेगा आप लोग आपका कोयला। तो खनिज में क्या मिलेगा चूना कोयला, वनस्पति में क्या मिलेगा आपका सागौन कम मात्रा में, अधिक मात्रा में साल मिलेगा, वन्य जीव में क्या मिलेगा आपको यहाँ पर टाइगर मिलेगा, आपको जनजाति में क्या मिलेगा बैगा प्लस कंवर की संकर जनजाति भैना मिलेगा, जनजाति में बैगा है। इसके बाद लास्ट अपन देखें तो इसकी ऊंची चोटी पेंड्रा लोरमी पठार की ऊंची चोटी, तो इसकी चोटी में आपका आ जाएगा पल्मागर लाफागर और जयतुर जयतुर का पर्यटन क्षेत्र भी है, महिषासुर मर्दनी का मंदिर है, इसने कलिंग राज कलचुरी शासक कलिंग राज ने बनवाया था। पल्मागर की ऊंची चोटी 1088 मीटर, लाफागढ़ की चोटी 1048 मीटर हाइट है। तो दो इसकी ऊंची चोटियां हैं पल्मागढ़ और लाफागढ़। पल्मागढ़ की हाइट 1088 मीटर है जबकि लाफागढ़ की ऊंचाई 1048 मीटर है, और तीसरा जगह आपका चैतुरगढ़, चैतुरगढ़ भी इसकी ऊंची चोटी है, लगभग लगभग 1000 के आसपास उसकी ऊंचाई है। लेकिन मुख्यतः यह है कि आपका देखा जाए कलिंग राज के द्वारा स्थापित माँ महिषासुर मर्दनी का मंदिर है चैतुरगढ़ में, क्योंकि चैतुरगढ़ के ठीक ऊपर पड़ेगा आपको तुम्मान, और ये तुम्मान कलचुरियों की प्रारंभिक राजधानी थी छत्तीसगढ़ की। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या जाएगा आपका माइकल श्रेणी और पेंड्रा लोरमी का पठार। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आगे इसकी पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि मतलब प्रदन की पहाड़ी चमर ढाल या लगभग लगभग सिहावा पर्वत तक का क्षेत्र को अपन नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।